लाख रुपए और 10 साल की सजा, 5000 रुपए में ड्राइवरी, एक नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? भाई ये सरकार काला कानून बांध ले। हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की पब्लिक को दिक्कत हो, क्योंकि पब्लिक की वजह से हम लोग कमाते खाते हैं, लेकिन ये कानून वापस हो जाए। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधान के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। नतीजा जगह जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हैं, जिसके चलते डीजल, पेट्रोल, सब्जी जैसे अति आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर असर दिख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद भारतीय न्याय संहिता अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड के पुराने कानूनों की जगह लेंगे, लेकिन इसके एक प्रावधान को लेकर अभी विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध का कारण है हिट एंड रन का नया कानून। नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक चालक इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कुछ जगहों से चक्का जाम, अराजकता, पुलिस की ओर से हल्के बल का प्रयोग की भी खबरें हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि हिट एंड रन मामले को लेकर नया कानून क्या कहता है और ट्रक ड्राइवरों का ये विरोध कितना जायज है। नया नियम कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने इसका सीधा विरोध किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने इसकी हड़ताल और चक्का जाम कर दिया है। न सिर्फ ट्रक ड्राइवरों ने बल्कि बस, टैक्सी, ऑटो चालक ने भी इसका विरोध किया है। नए नियम निजी वाहन चालकों के लिए समान रूप से लागू रहेंगे। उनका कहना है कि नए कानून के प्रावधान कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इन्हें नरम किया जाए। आंकड़ों पर नजर डालें तो नए कानून की सख्ती का कारण समझ आता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन मामले में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग की जान जाती है। विरोध करने वाले ड्राइवरों का तर्क है कि टक्कर के बाद अगर वो भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगी, अगर वो रुकते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है। अक्सर सड़क दुर्घटना के मामले में मौजूदा भीड़ उग्र हो जाती है, गाड़ी चालक उन पर हमला कर देते हैं। कई बार हिंसक भीड़ सिर्फ पिटाई तक नहीं रुकती, मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों का आवाजाही नहीं होगी और कीमतों पर सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकने का असर है, जिसको लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। भारत में 95 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों में दिक्कत हो सकती है।